हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन स्टूडियो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन के बारे में, दैट हाउ टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन एंड व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। तो पहले हम बात करते हैं कंसेप्ट के बारे में कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन किस चीज़ को इंडिकेट करता है, द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन क्या रिप्रेजेंट करेगी। तो चलिए, जब भी हम रिसर्च करते हैं तो हम एक लार्ज पॉपुलेशन पर वर्क करते हैं। जो हमारी ये पॉपुलेशन होती है, उस पॉपुलेशन से हम एक स्मॉल सैंपल को सिलेक्ट करते हैं। अब सपोज करो कि हमारी टोटल पॉपुलेशन जो है वो थी 100, और उससे हमने जो सैंपल लिया है 10 पार्टिसिपेंट्स का। तो क्या जो ये 10 पार्टिसिपेंट्स का जो मीन आया है, क्या वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी पूरी पॉपुलेशन को? यही चीज को हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। इसे हम SE से भी डिनोट करते हैं, और स्टैंडर्ड एरर जो है वो हमारी मीन की रिलायबिलिटी भी कहलाता है। सो हम कह सकते हैं कि रिलायबिलिटी ऑफ द मीन, स्टैंडर्ड एरर को हम मीन की रिलायबिलिटी भी बोलते हैं, कि जो हमारा सैंपल है क्या वो एक्चुअली में रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पॉपुलेशन को। क्योंकि देखिए, पॉपुलेशन में तो 100 सब्जेक्ट्स थे, जबकि हमने तो सिर्फ 10 सब्जेक्ट्स लिए हैं। तो क्या ये 10 सब्जेक्ट्स पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो इसी को हम मेजर करने के लिए यूज करते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। तो हमारा जो फॉर्मूला है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन के लिए, वो बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला है हमारा। SE से हम डिनोट कर रहे हैं स्टैंडर्ड एरर, और स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n। अब यहां पर देखिए, जो हमारा ये सिंबल है, ये डिनोट कर रहा है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन को। और जो हमारा n है, वो है हमारा टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन ए सैंपल। क्योंकि हम वर्क कर रहे हैं सैंपल के ऊपर, क्या हमारा सैंपल रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी पॉपुलेशन को। तो जो सैंपल का मीन होगा, हम बेसिकली उस मीन की ही बात कर रहे हैं, उस एवरेज की ही बात कर रहे हैं, कि जो वो एवरेज है वो रिप्रेजेंट कर रही है हमारे ट्रू मीन को। ट्रू मीन बोलते हैं हम पॉपुलेशन मीन को। तो चलिए एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल सेट करते हैं हम। सपोज कि हमारा जो टोटल एन है वो है हमारा पॉपुलेशन जो है हमारी वो है 100, और उससे जो हमने सैंपल लिया है वो लिया है 10 पार्टिसिपेंट्स का, और जो हमारा ST आया है वो है 6। तो चलिए हमारा स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन क्या होगा वो कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए हमें जो हमारा फॉर्मूला है, SE का फॉर्मूला जो है हमारा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन है हमारा 6, और टोटल नंबर ऑफ n सैंपल्स हैं हमारे 10। तो ये होगा हमारा टेन का, जब हम स्क्वेयर रूट करेंगे तो 6 डिवाइड बाई 3.16, और ये होगी हमारी वैल्यू 1.89। तो अब देखिए, जो हमारी वैल्यू है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है। देखिए, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन की वैल्यू जितनी ज़्यादा हायर होगी, जितनी ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, उतना ही हमारा सैंपल कम रिप्रेजेंट करेगा हमारी पॉपुलेशन को। और हम दूसरी भाषा में भी कह सकते हैं
कि स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही ज़्यादा हमारा मीन रिलायबल होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।